देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। अगर कोई आम आदमी ऐसी कोई गलत हरकत करे तो तुरंत पुलिस उस पर कार्यवाही करती नजर आती है, पर अगर ऐसा करने वाला व्यक्ति खुद ही पुलिस अफसर हो तो कोई महिला किससे गुहार लगाए। आज एक ऐसा ही मामला देखने को मिला। आज जलंधर में स्थित पंजाब प्रेस क्लब में लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरनजीत सिंह बैंस के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में बताया गया है कि एक वकालत की स्टूडेंट ने पंजाब पुलिस के एक सीनियर अफसर पर अपने साथ जबरदस्ती नाजायज रिश्ते बनाने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। अमृतसर की रहने वाली इस महिला का नाम रंजीत कौर है। रंजीत कौर ने प्रेस वार्ता में इस बात का खुलासा किया है कि पंजाब पुलिस के एक AIG रणधीर सिंह उपल ने कई बार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और इसका विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सिमरनजीत सिंह बैंस के साथ रंजीत कौर ने बताया कि 2001 में जब रणधीर सिंह उपल होशियारपुर में DSP पद पर तैनात था, तब रंजीत कौर की मां ने रणधीर सिंह की पहचान मामा के तौर पर करवाई थी। उसने बताया कि उसकी मां ने रणधीर सिंह से कहा था कि उसकी बेटी होशियारपुर में वकालत की पढ़ाई कर रही है और रणधीर उसका ख्याल रखे, परंतु उल्टा रणधीर शुरू से ही उस पर गलत नजर रखता था। रंजीत कौर के अनुसार 18 सितंबर को उसने इस बात की शिकायत अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को की थी, परंतु अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर सर एक अमृतसर ही एक बंद घर सेगा, कॉलोनी सी उत्थे एक बंद घर सेगा, उत्थे बंदा मैनू लैके गया। मैं कहा जिहड़ी गल करनी है मेरे नाल गड्डी च करो, मैं किसी घर नहीं जाना, मैं किते नहीं उतरना, तुसी मेरे नाल इत्थे बह के गल खत्म कर लो जिहड़ी करनी। सर उत्थे एक नाला इदा क्रॉस करके सी, मेरे कॉलेज तो अगे आके नाला क्रॉस करके एक कॉलोनी बनी हुई सी, नवी हले बन रही सी, उत्थे एक बंद घर सेगा। वो लड़का जिहड़ा सीगा उहने लॉक खोलिया, मैनू कहिंदा मैं सारी गल नबेड़ दिंदा, मैं तैनू कुछ नहीं कहना, मैं तैनू कोई ब्लैकमेल नहीं करूँगा, अज तो बाद तैनू मिलूंगा भी नहीं, तू प्लीज़ एक बार मेरे नाल बह के मेरी गल सुन ला। थर्ड टाइम सर इन्हें मैनू फिर उत्थे बुलाया UT गैसट हाउस, उदों बंदा नहीं कर सकिया मेरे नाल इदां दा करम, क्योंकि जिहड़ा इन्हें गन उस रात मेरे कढ के इन्हें गन मूहरे रखिया, तो मैं इहदा गन चुक लिया, मैं कहा मैं तेरे कोल ही मार देनी आ हुण।